Hello students, welcome back. Now today I will teach you faces of teaching. Let's start. Faces of teaching, शिक्षण की अवस्थाएं. कल मैंने आपको शिक्षण की विधियों के बारे में बताया था, जिसमें एक विधि मुझे आपको बताने में थोड़ी सी रह गया था. एक होती है खेल विधि, जो टेट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है. एक होती है खेल विधि, जो उस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी है, प्रॉबल की है या किसकी है. तो उसमें कभी भी अगर खेल विधि आती है तो आप कॉल्ड विक कुक लगाएंगे, विलियम कॉल्ड विक कुक. उसके अलावा जो भी मेथड्स थे सारे मैंने बताए हैं, और अगर कोई डिटेल में बताने की जरूरत होगी तो मैं आगे बताऊंगी. उससे पहले आपको जानना आवश्यक है कि शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं. उसमें शिक्षण कार्य स्टार्ट करने से पहले हमें करना क्या होता है, ठीक है? क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों क्या है, बहुत घनिष्ठ रूप से संबंध रखती है एक दूसरे से. इतना बिना टीचिंग के लर्निंग नहीं होगी और लर्निंग के बिना टीचिंग पॉसिबल नहीं है. दोनों में क्या है, हमारी दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं. अब कोई भी टॉपिक समझाने से पहले हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते हैं कि टॉपिक क्या होगा, शिक्षण का मेथड क्या होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, टीचिंग प्रोसेस क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और कहाँ पर हम टीचिंग करेंगे, कौन से बच्चे होंगे, किस किस टाइप से बच्चे होंगे. क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो बच्चे बहुत तरीके के होते हैं. तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कभी भी कोई भी शिक्षण कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं उससे पहले. तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य किया जाता है. शिक्षण के कार्य करने से पहले कुछ प्लानिंग की जाती है. तो ये स्टेप है कि टीचिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस. आप लोगों को पहले भी बताया है कि टीचिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस. शिक्षण जो है वो गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसमें टीचर को बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है. टीचर भी एक्टिव रहता है और स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है. दोनों को आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सक्रिय नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, या आप क्रिएटिव नहीं होंगे, तो आप टीचिंग को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं. फिर है शिक्षकों को बहुत से कार्यों से गुजरना पड़ता है. वो कार्य देख लीजिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है. सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग, नियोजन. किसी भी कार्य का प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है कि हम कोई भी अगर कंसेप्ट क्लियर कराएंगे तो उसका मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, सारी चीजें हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं. फिर ऑर्गेनाइजिंग, हम व्यवस्थित कर लेते हैं कि हम ये चीज इसमें यूज करेंगे, अगर हम इसमें एग्जांपल देंगे तो हम कौन सा देंगे, अगर हम टीचिंग एड यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे. तो ये सारी चीजों की हम व्यवस्था भी कर लेंगे कि किस किस मेथड का यूज करेंगे, ये सारी चीजें. लीडिंग क्या होता था, नेतृत्व करना. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचर वही योग्य होता है जो एक अच्छा नेतृत्व करता होता है. अगर आप किसी ढंग से लीडिंग नहीं कर पाते हो तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं रह जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है लीड करना, अपने बच्चे को गाइड करना, लीड करना. अगर आप सही लीड कर जाते हैं, सही नेतृत्व कर लेते हैं, तो सही ढंग से शिक्षण का कार्य हो जाता है. फिर है कंट्रोलिंग, नियंत्रण. अब सारे प्रोसेस करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा सभी पे कंट्रोल है, क्या बच्चे हमारे कंट्रोल में है, क्या हम जो नॉलेज दे रहे हैं, जो कंसेप्ट दे रहे हैं, वो हमारा पूरी तरीके से हमने नॉलेज ली है उसकी, कि कहीं से भी कोई बच्चा अगर क्वेश्चन कर दे तो हम उसको बताने के लिए तैयार हों. हाँ, अगर बच्चा क्वेश्चन करता है और मान लीजिए बाय द वे आपको समझ नहीं आता है, तो आप उसको भरमाएंगे नहीं, आप उसको गलत आंसर भी नहीं देंगे, उसको कल बताने के लिए बोलेंगे. ये एक शिक्षण का अच्छा तरीका होता है, क्योंकि बच्चे भी ज्ञान का भंडार है. ऐसा नहीं है बच्चे बेवकूफ नहीं होते हैं, बच्चों को बहुत कुछ आता है, बस ये होता है उन्हें सही दिशा में उनके ज्ञान को ले जाना. अब इन सारे कार्यों को क्रियान्वित ढंग से करने के लिए, सभी कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षण कार्य को तीन अवस्थाओं में बांटा गया, तीन फेसेस में शिक्षण की फेसेस को बांटा गया है. वो शिक्षण की अवस्थाएं देखिए, पहला है प्री एक्टिव फेस, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था. सेकेंड इज इंटरएक्टिव फेस, अंतः संक्रियात्मक अवस्था. और थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेस, पश्च संक्रियात्मक अवस्था. जो प्री एक्टिव फेस है, प्री एक्टिव फेस पहला होता है जो हम शिक्षण कार्य करने से पहले करते हैं. एक तरीके से ये प्लानिंग हुई हमारी कि हम
किन उद्देश्यों को लेकर चलेंगे? हम ज्ञानात्मक उद्देश्य ले रहे हैं कि बोधात्मक उद्देश्य ले रहे हैं कि साइकोमोटर डोमेन या मनोगत्यात्मक उद्देश्य ले रहे हैं? तो सबसे पहले हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स सोच लेते हैं कि हम किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के टीचिंग कार्य करेंगे। फिर है कोर्स कंटेंट, पाठ्य वस्तु। अब हमारा कोर्स का कंटेंट क्या होगा? फर्स्ट यूनिट होगी, सेकेंड यूनिट होगी, थर्ड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक होगा ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं। जब चीजें हमारी डिसाइड होती हैं तो हमें टीचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड थिंग, टीचिंग मेथड। अब बात आती है टीचिंग मेथड्स की, जो मैंने कल आपको बताए थे कि कौन से टीचिंग मेथड्स को हम यूज करेंगे, किस तरीके के बच्चे हैं। मान लीजिए प्री नर्सरी के बच्चे हैं या आपके फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए प्री नर्सरी के बच्चे हैं तो आप प्ले वे मेथड, खेल विधि, मॉन्टेसरी मेथड, ये सारे मेथड्स का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए बच्चा मिडिल स्टैंडर्ड का है तब आप उसको लर्निंग बाय डूइंग और ये प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे चीजें और बहुत सारे ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड वगैरह का यूज करेंगे। अगर बच्चे हायर स्टैंडर्ड के हैं तब आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है हायर लेवल में एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करना। उसके बाद आती है लेसन प्लान। अब कोई भी टीचिंग का वर्क करने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। लेसन प्लान बनाना हर टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लेसन प्लान बना करके पढ़ाते हैं तो एक सिस्टमैटिक वे होता है पढ़ाने का। लेसन प्लान आपके बताते हैं कि आप एक ट्रेंड टीचर हो, और एक ट्रेंड टीचर अपना लेसन प्लान बनाने के बाद ही कक्षा में जाता है, और 45 मिनट या 50 मिनट जो भी आपका टाइम होता है उसमें पूरा आपको लेसन प्लान फिनिश करना होता है। लेसन प्लानिंग आपकी स्किल्स पर बेस्ड होती है, जो स्किल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्किल होता है, फिर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल होता है, फिर आपका इलस्ट्रेशन स्किल होता है। इसी तरीके से बहुत सारे स्किल्स पर आपका लेसन प्लान बेस्ड होता है। तो ये तो थी पहले आपकी प्री एक्टिव फेज, जिसमें एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षण कार्य की योजना बनाता है। अब सेकेंड आती है इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज में सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। अब हम कक्षा में प्रवेश कर गए, ये सारी चीजें तो हमने क्लास में जाने से पहले ही सोच ली थी, और ये वाली हम क्लास के अंदर की क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले कि हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, हम किस विधि से प्रेजेंटेशन करेंगे, कौन सा टॉपिक हमने चुना था उसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उस प्रेजेंटेशन में से ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर हम किस टाइप से करेंगे। प्रस्तुतिकरण करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है, जो प्रस्तुतिकरण हमने कर दिया बच्चे के सामने, अब उसी में से हम उनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर हमने थर्ड थिंग क्या किया, जो भी हमारे टफ पॉइंट थे या भी हमें जो भी बोर्ड पे बताना था फिर हमने बोर्ड पर करा। फिर डेमोन्स्ट्रेशन, मान लीजिए आपका कोई प्रयोग एक्सपेरिमेंट कराना है तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, या आपको चार्ट पेपर दिखाना है, कोई चीज आप घर से बनाकर लाए हो, या आपको कोई चीज दिखानी है, तो ये सारी चीज आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फिर आपका इवेल्युएशन ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे उनका इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन का मतलब कितने बच्चों ने सही बताए, कितने बच्चों ने गलत बताए। जिन्होंने गलत बताए अब आप सही वालों से उन्हें सही आंसर दिलवाएंगे। फिर आता है रीइंफोर्समेंट। अब यही है कि लास्ट का वे होता है आपका रीइंफोर्समेंट। अगर आपने क्वेश्चन सही बताए हैं तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर गलत बताए हैं तो आपका निगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन रीइंफोर्समेंट देने के बाद आपको पता चलता है कि हमारी गलतियां क्या थी, और आप उन्हें फिर से सुधारते हो और फिर दोबारा आंसर देते हो। अब आप थर्ड स्टेज पे आ जाइए, पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज आपका पश्च संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसमें अब आपने पूरा क्लास का वर्क भी कर दिया। अब थर्ड स्टेज आई आपकी इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण कार्य कर रहा है, चाहे आप कर रहे हो चाहे आपका कोई टीचर कर रहा है, उसको इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट कौन करता है, सामने बैठे वाले स्टूडेंट इवेल्युएट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग, अब आप अपनी टीचिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हो, किसी भी वे से आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने जो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके मॉडिफाई किया हो, या फिर आपने कोई चार्ट पेपर बना करके मॉडिफाई किया हो, हर तरीके से आप मॉडर्न तरीके से अपनी टीचिंग को
करा सकते हो। और फिर होता है टीचर फीडबैक। टीचर फीडबैक, अब स्टूडेंट्स के द्वारा टीचर को फीडबैक मिलता है कि सर आपने ये हमें अच्छा बताया, इसमें ये कमी रह गई, और या फिर इसमें अभी और बताना है। तो ये सारी चीजें फीडबैक के थ्रू एक टीचर को मिल जाती है। ये तो तीन अवस्थाएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं ये। जब आप इन सब चीजों को अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। और आज इतना ही है, और आगे हम आपको स्किल्स बताएंगे, शिक्षण सूत्र है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, तो वो सारे बताते रहेंगे। तब तक के लिए इतना, थैंक यू।